Justice Pankaj Mithal was born on 17 June 1961 at Meerut in a family of lawyers. He received his early education at St. Mary Academy, Meerut, and graduated in BCom honors in 1982 from University of Allahabad. Later, he joined Meerut College, Meerut, and obtained his law degree from Chaudhary Charan Singh University. Justice Mithal was a third-generation lawyer and a person of second generation to be the High Court judge. His father was Justice Narendra Nath Mithal, was also a judge of Allahabad High Court from 14 December 1978 to 7th April 1992. And Justice Mithal was elevated as an additional judge of Allahabad High Court on 7th July 2006. He was posted as senior judge of Lucknow bench of Allahabad High Court in the year 2020. Justice Mithal was elevated as Chief Justice Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on 4th January 2021. Transferred as Chief Justice Rajasthan High Court on 14th October 2022. Justice Mithal is a governor's nominee to the Executive Council of Chaudhary Charan Singh University, Meerut. He is a trustee of Itawa Hindi Seva Nidhi and the founder trustee of Justice Narendra Nath Mithal Memorial Foundation, a trust established by his mother in the memory of his late father. Later, he was elevated to Supreme Court of India on 6th February 2023. Dhanyavaad. तालियों के साथ सर्वदा स्वागत करते हैं डाइस पर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले तीन केवीएट। पहली तो ये कि आई फील द ऑड मैन आउट आफ्टर द थ्री लेडी स्पीकर्स। और फिर जितना बढ़िया वक्तव्य मोनिका जी ने और मेरी सिस्टर स्वर्णकांता जी ने दिया, उसके बाद मुझे कुछ कहने को रह भी नहीं जाता है। जब इस मंच से इतना भारी भरकम वक्तव्य हो जाए तो उसके बाद जो है मुख्य वक्ता को कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ उस पर प्रकाश डालने के लिए बचता नहीं है। और मोनिका जी तो अधिवक्ता हैं तो धारा प्रभा बोल सकती हैं, और शायद स्वर्णकांता जी को इसका बहुत ही आभास है। मैं तो उनके सामने शायद नगण्य हूँ। मे बी फॉर द रीजन कि मेरी घर पे पत्नी है, मुझे सुनने की आदत हो गई है। और अदालत में भी वकीलों को सुनना पड़ता है तो चुप रहना ही मेरे लिए ठीक। तीसरा, मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा मेरा मुझे गले में तकलीफ है तो मैं बीच में पानी पीने की आपसे इजाजत चाहता हूं, मुझे वो परमिट कर दीजिएगा। वंदे वाणी विनायको। सम्मानित मंच, मेरी स्नेहमयी सिस्टर बहन स्वर्णकांता शर्मा जी, उपस्थित विशिष्ट जन और सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये आज से नहीं लगभग 100 वर्ष पूर्व से ही मनाया जा रहा है। और सन 1975 में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी हम लोगों ने मनाया था। इस आयोजन के पीछे महिला सशक्तिकरण
यही एक उद्देश्य रहा है। इस बार ये महिला दिवस हम 8 मार्च की जगह आज मना रहे हैं अधिवक्ता परिषद के सौजन्य से, और ये हम मना रहे हैं शक्ति पर्व के रूप में। शक्ति पर्व क्योंकि ये हम श्रीमती सुमन चौहान, जो अधिवक्ता परिषद की पहले नेशनल सेक्रेटरी रही हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में बना रहे हैं। मैंने उनको 2-1 बार सुना है, उन्होंने मेरे साथ अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में भाग लिया है। बहुत ही निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करती थी और बड़े स्पष्ट, सरल और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को वो सबके सामने रखती थी। उनके बारे में मोनिका जी ने बड़े विस्तार में आप लोगों को बताया, चर्चा की उसके बारे में, मैं उसके बाद और ज्यादा नहीं कहूंगा। भारत जैसा आप जानते हैं, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता वाला देश रहा है, और मेरा तो ये मानना है कि ये विश्व की हृदय स्थली है, और यहाँ विश्व भर से सभी लोग आते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक की खोज के लिए, नोन से अननोन की ओर जाने के लिए। तो इसका कोई ना कोई कारण है। कारण यही है कि भारत ने अपनी सभ्यता को, अपनी वैदिक परंपराओं को हमेशा से अच्छे से निभाया है और उसको आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आप अगर देखेंगे तो यही कहा जाता है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। तो आज नारी की पूजा के लिए हर एक पुरुष को देवता बनना पड़ेगा। जब देवता वो बनेंगे तभी नारी की पूजा सही मायने में होगी। हमारी शिक्षा कहिए या हमारा जो ब्रॉटअप है वो आज कुछ गलत राह पे चला गया है, जिसके कारण हम नारी को उसकी सही महत्वाकांक्षा को नहीं पहचानते हैं, वो दर्जा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण समाज में जो आप देखते हैं नई नई प्रकार की कुरीतियां जो हैं ये डेवलप हो रही हैं। अब इस प्रकार की जब कुरीति सामने आती हैं तो नए नए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जितना कानून इन विषयों पे बन रहा है, नारी के सशक्तिकरण के लिए बन रहा है, मेरा मानना है कि उससे कोई बहुत नारी वर्ग के लिए लाभ नहीं हो रहा। देखने में जरूर लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है, परंतु वास्तव में उसकी कोई बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हमारे यहां नारी को शक्ति रूप में, विद्या के रूप में और लक्ष्मी के रूप में, तीनों ही रूपों में, और वैष्णो देवी चले जाएं तो वहां 3-in-1 का आपको मिश्रण मिल जाएगा। आपको तीनों रूप में देवियों का दर्शन मिल जाएगा। हर देवी, हर पुरुष तीनों देवियों की पूजा करता है, लेकिन
क्या है, मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम पुरुषों का कुछ दृष्टिकोण बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को एक मंदिर की भांति ही देखना चाहिए और इसमें कोई अंतर पुरुष स्त्री और पुरुष का नहीं आना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे चरित्र का अच्छा निर्माण हो। चरित्र निर्माण एक मूल्य पर आधारित शिक्षा, नैतिक शिक्षा, माता पिता का लालना पालना और जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं उनमें सुधार, यथोचित सुधार हो, उसके पश्चात ही संभव है। आज हम पाते हैं कि माता पिता दोनों ही अर्निंग ग्रुप में हैं, डबल इनकम ग्रुप में चले जाते हैं, अपने कैरियर के बनाने की होड़ दोनों में लगी होती है, बच्चों को ना माँ का प्यार ना पिता का प्यार मिल पाता है, उनका कोई आपस में पेरेंट्स के साथ उस प्रकार का जुड़ाव ही नहीं होता। सिंगल चाइल्ड नॉर्म हमने अडॉप्ट कर लिया है, भाई है तो बहन है ही नहीं। तो भाई और बहन जब एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो परिवार में लड़के लड़कियां सब साथ रहते थे, सबको समझ में आता था कि किसकी किस प्रकार से कैसी सेवा या इज्जत करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, उसका नतीजा है समाज में विसंगतियां आ रही हैं। हमें इन सबको दूर करना होगा। मूल बात यही है कि घर से जो शिक्षा हमें मिलती है, स्कूली शिक्षा अपनी अलग जगह रखती है, लेकिन घर से जो शिक्षा मिलती है वो हमें सही मिलनी चाहिए, वो हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार मिलनी चाहिए। मुझे एक प्रकरण याद आता है रामायण का, जब भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली थी और वह वापस जो है अयोध्या की ओर आना चाहते थे, तो विभीषण ने कहा कि साहब आपने ये लंका जीती है तो आप ही इस पे राज करें। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, लंका पे विजय प्राप्त कर इसको भारत या अयोध्या का अंग बनाने के लिए यह कार्य नहीं किया गया था। ये तो कुछ विसंगतियां थी और कुछ रावण में जो कमियां थी, जो उनमें अहंकार आ गया था, उसको दूर करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसी प्रदेश के या अन्य देश के राज्य पे कब्जा करने के लिए या भूमि हथियाने के लिए ये लड़ाई नहीं थी। इसलिए इस देश पे, इस लंका पे आज से आप ही राज करेंगे और मेरी तो जो धरती है, मेरी जो माता है वो भारत माता है और मैं वहीं वापस जाऊंगा, वही सर्वपरि है मेरे लिए। और उन्होंने वहाँ का राज स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा एक और प्रकरण है, जब सीता जी की खोज में दोनों भाई जंगल जंगल भटक रहे हैं तो हनुमान जी आके उनको कुछ आभूषण दिखाते हैं जो सीता जी ने शायद फेंक दिए थे। तो रामचंद्र जी जो है छोटे भाई से कहते हैं, क्या लक्ष्मण तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण अपनी गर्दन नीची कर लेते हैं, कहते हैं भैया मैंने तो भाभी को उनके पैर के नखून से ऊपर आज तक देखा ही नहीं, तो मैं आभूषणों को कैसे पहचान सकता हूँ ये किसके हैं। तो आप देखिए कि क्या एक रिश्ता होता था भाई और भाभी का भी, कोई
नजर तक ऊपर उठा के भाभी को या किसी को नहीं देखता था, और आप आज देखते हैं कि गलत नजर की वजह से ही सारी बुराइयां समाज में जो है जागृत हो रही हैं। अगर हमें हर चीज का रिश्ता निभाना है, कैसे निभाया जाना है ये समझना है, तो हमें रामायण पढ़नी पड़ेगी। वहां भगवान ये तक बताते हैं कि हमें दुश्मन के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं, भाई का भाई के प्रति, बेटे का पिता के प्रति, माँ के प्रति, गुरु के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या शिष्टाचार होना चाहिए, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपने वैदिक मूल्यों के अनुसार अपनी शिक्षा को ग्रहण करना है और उसको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। एक समय था जब हिंदी साहित्य में भी काफी कुछ महिलाओं के बारे में लिखा जाता था, अच्छा भी लिखा जाता था, लेकिन एक बहुत ही जो है फेमस पंक्ति है, शायद जयशंकर प्रसाद जी की है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, मैथिली चरण गुप्त जी की है। तो नारी को जो है एक अबला के रूप में देखा गया और उसी का वर्णन किया गया, और इतिहास ये जो है साहित्य हमेशा से ही समाज का दर्पण होता है और वही धारणा हम लोगों ने अपना ली, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला जो है एक अबला नहीं है, आज वो सबला है, वो संभली हुई है और हर चीज को करने को तत्पर है, कर सकती है, पूरी शक्ति के साथ कर सकती है। इस देश में महिला को कभी भी पढ़ने से या आगे आने से रोका नहीं जाता। अपवाद जरूर हैं, अपवाद हर चीज के होते हैं, लेकिन समय आने पर, जरूरत पड़ने पर ही महिला जो है घर से बाहर निकल के अपने हाथों में जो है जिम्मेदारी या जो भी कहिए घर चलाने का दायित्व लेती है। अन्यथा घर को चलाना, बच्चों की परवरिश और उनको एक अच्छे संस्कार देके एक भारत भाग्य विधाता बनाना, ये उसका मेन कर्तव्य रहा। राजस्थान में जौहर की प्रथा रही है, जब जरूर आवश्यकता पड़ी तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हजारों की तादाद में रानियों ने, महिलाओं ने जौहर करा और आतंकियों के हाथ में आने से अपने को बचाया। और फिर एक समय आया जब इन्हीं नारियों ने ये समझा कि इस तरीके से अपनी जान गंवाना कोई वीरता नहीं है, और उन्होंने जब जब आक्रमण हुए और पुरुषों की सेना आगे हार गई और किले में प्रवेश हुआ, तो उन्होंने भी अपने हाथों में तलवार ले ली और लड़ाई के मैदान में उतर गईं और वीरगति को प्राप्त की। एक बहुत मोटा सा उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई का हम लोगों के सामने है। आवश्यकता पड़ने पे तलवार उठाई, लड़ाई के मैदान में उतरे, लेकिन अन्यथा उनका जो मेन कर्तव्य है, जो मुख्य कर्तव्य है, उसका उन्होंने पालन किया। तो हमें करना क्या होगा, हमें महिलाओं को अपनी नारी शक्ति को पूर्ण रूपेण जो है अच्छी शिक्षा, हर सुविधा, हर तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं कि पुरुषों के बराबर या पुरुषों, नारी तो हमेशा पुरुषों से अधिक बलवान, अधिक ताकतवर रही है, उसका पुरुषों से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम वास्तव में नारी को एक
ऊंचे लेवल से नीचे लाके पुरुषों के स्तर पर रख देते हैं, जो कि बहुत उचित नहीं है। वो तो पुरुषों के काफी ऊपर है ही हैं, उसको तो देवी रूप में हम लोग देखते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को कोई एक अलग से नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की मुहिम चलाने की आवश्यकता है। हाँ, हम लोग साल में एक बार मिलते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, तो उसमें ये नहीं कि एक दिन महिला को याद करके उनके बारे में कुछ बातें कह के हम अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा जाएं। इस आयोजन का मुख्य पर्पस केवल यही है कि हम ये देखें, इस पे विचार करें कि पिछले एक वर्ष में हम कहां से कहां आ गए, हमने क्या किया है नारी सशक्तिकरण के लिए या नारी के उत्थान और विकास के लिए, जिसकी मैं समझता हूं कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार करीब 1 करोड़ गर्ल चाइल्ड्स की जो है यहां पे डेथ होती हैं। हमें ये सब रोकना है, हमें इसके लिए जो है आगे बढ़ना है और कार्य करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी महिलाएं हर फील्ड में हर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग पल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ऐसा हम लोगों के कवियों ने, साहित्यकारों ने वर्णन किया है। और नारी तो अद्भुत है, मतलब पुरुष से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमें अपनी सोच, अपना चिंतन बदलना पड़ेगा और ये सब केवल एक चरित्र निर्माण के द्वारा ही संभव है। इन शब्दों के साथ बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हमें वर्ल्ड पीस की तरफ या विश्व की ओर बढ़ना है तो हमें सबसे पहले महिलाओं को, नारियों को, उनको अच्छे से शिक्षित रखना है और उनका, उनकी पूजा ही करनी है। और वही ये नारी जगत ही जो है ये हम लोगों को विश्व पीस, विश्व शांति की ओर ले जा सकता है। हम लोगों के करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनको पूरी सपोर्ट देनी है और उनके साथ मिलके काम करना होगा। और घर में जो एक होम मेकिंग वाला कर्तव्य है वो हमारी स्त्रियों को, नारियों को वो पूर्णतः निभाना पड़ेगा। मैं अधिवक्ता परिषद को आज के इस आयोजन के लिए और मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए और आप लोगों के बीच दो शब्द कहने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में केवल 2-3 पंक्तियाँ एक कविता की पढ़ रहा हूँ। नारी जग का मूल है, नारी से संसार, नारी घर की आन है, नारी घर की शान, नारी कोमल फूल है, नारी है बलवान, वक्त पड़े दुर्गा बन जाए, थामे तीर कमान, नारी से जन्मा पुरुष, नारी की नारी है पहचान, नारी है पहचान, नारी है पहचान। जय हिंद, वंदे मातरम।